जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनिल जांगड़े। आप देख रहे हैं न्यूज रूम टीवी इंडिया। नैनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जबलपुर लोकायुक्त ने नैनपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी MD सोलंकी को 25,000 रूपए नगद लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार नैनपुर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी MD सोलंकी ने नैनपुर बीजेगांव प्राथमिक शाला के रिटायर्ड शिक्षक प्रदीप पंडित से पेंशन प्रकरण बनाने के लिए 50,000 रूपए की मांग की थी, जिसे आज 25,000 रूपए नगद रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त ने सोलंकी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उनके ऑफिस में धर दबोचा है। आइए देखते हैं। लंबे समय से नैनपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बारे में भ्रष्टाचार की खबरें लगातार सुनाई पड़ रही थी। वहीं शिक्षकों के विभिन्न मदों से मिलने वाली राशि के लिए BEO कार्यालय रिश्वत व भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। जानकारी के अनुसार प्रदीप पंडित उर्फ अवत मिश्रा रिटायर्ड शिक्षक ग्राम बीजे टोला से 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। वे अपने पार्ट फाइनल के पैसे के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे और बिना रिश्वत के अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। तब रिटायर्ड शिक्षक ने लोकायुक्त की शरण ली और अधिकारी से रिश्वत की राशि की बात पक्की की। उन्होंने तत्काल लोकायुक्त को इसकी जानकारी दी और मौके पर जबलपुर लोकायुक्त ने पहुंचकर 25,000 की नगद राशि रिश्वत लेते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी MD सोलंकी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने PC एक्ट 1988 के तहत उक्त कार्रवाई की है। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़ी को। हम रिटायर्ड हुए और उसके बाद हमने आवेदन किया, सर से बार बार निवेदन किया, वो तैयार नहीं हुए। 50,000 रुपये की डिमांड की, फिर 25 में सौदा तय हुआ। 25,000 रुपये आज हमने उनको देने के लिए बोला था, 25,000 रुपये दे रहे थे। इसकी शिकायत लोकायुक्त ने किए थे, लोकायुक्त ने उसको रंगे हाथ। हमारे फरियादी हैं प्रदीप कुमार पंडित, ये रिटायर्ड शिक्षक है प्राथमिक शाला बीजे गांव से। अभी ये 30/4/2023 को ही रिटायर्ड हुए। इनका पेंशन प्रकरण और अन्य देय का भुगतान होना था, इसके लिए ये BEO कार्यालय में पदस्थ श्री MD सोलंकी प्रभारी BEO से मिले, तो इनके द्वारा पेंशन प्रकरण बनाने हम अग्रेषण करने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें प्रथम किस्त में 25,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है।